बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ लेक्चर फॉर क्लास थ्री, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इज बुक एक्टिविटीज़, लर्न टू स्पीक एंड लर्न टू लिसन। बुक पेज नंबर 58 एंड 59। एक्स्ट्रोवर्ट ट्रांसलेशन। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट। दिस इज़ वर्क बुक पेज, दिस इज़ बुक पेज नंबर 58। लर्न टू स्पीक। वेन यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, सम बॉडी इंट्रोड्यूस देम टू यू। कि जब आप किसी अपने कज़न या अपने किसी फ्रेंड के साथ फर्स्ट टाइम उसके दोस्त के साथ मिलते हैं, तो फिर जो आपका कज़न या आपका फ्रेंड जो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं ना कि ये मेरा भाई है या ये मेरा कज़न है, तो वो कैसे कराते हैं? क्योंकि वो जो न्यू पर्सन है जिसके साथ आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो उसको आपका नेम पता होता है ना, आपको पता ये होता है कि आप कहाँ रहते हो और आप क्या करते हो, तो आपने उसको इंट्रोड्यूस कराना होता है ना बात करने के लिए। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, व्हेन यू इंट्रोड्यूस पीपल से देयर नेम क्लियरली। जब भी आप अपने किसी फ्रेंड या कज़न का किसी के साथ तारुफ करवा रहे हों, तो सबसे पहले आपने उसका नेम बताते हैं। हम नेम बताते हैं ना, तो हमें जो नेम बताना होता है वो क्लियरली बताना चाहिए, ताकि जो जिसको हम बता रहे हैं उसको समझ आ सके कि इसका नाम क्या है। जैसे यहाँ पे ये दानिश है और ये उमर और ये सारा। अब जो उमर है वो सारा से फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो अब दानिश ने इसका इंट्रोड्यूस कराना है कि ये कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा मीट उमर, कि सारा उमर से मिलो, उमर इज़ माई न्यू नेबर, कि उमर जो है वो मेरा न्यू नेबर है। अब दानिश ने सारा से उमर का इंट्रोडक्शन कराया, कि उसको इंट्रोड्यूस्ड कराया है कि ये कौन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बताया, उसका नेम, सारा मीट उमर, उमर इज़ माई न्यू नेबर। अब सारा बोलती है हेलो, हेलो उमर, इट्स नाइस टू मीट यू, कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुश हुई, डू यू लाइक इट हेयर। तो इसी तरह नेक्स्ट है तानिया, दिस इज़ दानिश, क्या वो जो है उमर वो तानिया से दानिश का इंट्रोडक्शन करा रहा है, कि कह रहा है तानिया दिस इज़ दानिश, कि ये देखो ये दानिश है, दानिश लाइक सिंगिंग, क्या वो उसके बारे में बता रहा है कि इसको क्या फेवरेट थिंग्स हैं और क्या करता है ये, कि तानिया दानिश लाइक सिंगिंग। तो फिर तानिया आंसर करती है हाय दानिश, व्हाट सॉन्ग डू यू लाइक, आपको कौन सा सॉन्ग जो है वो फेवरेट है। हमें जब भी हम किसी से मिलें, किसी से तारुफ करवाना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नेम जो है वो राइट बताते हैं, क्लियरली बताते हैं, और फिर उसके बारे में सम इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसके जिससे उनकी बात जो है वो स्टार्ट हो सके। तो इसी तरह वर्कबुक पेज नंबर 59 पे, नाउ ट्राई दीज इंट्रोडक्शंस विद योर पार्टनर, कि वहाँ पे आपने जैसे सीखा है इसी तरह आपने यहाँ पे अपने पार्टनर्स बनाने हैं, अपने पेयर्स बनाने हैं, फ्रेंड्स भी, घर में भी आप अपने मदर किसी के साथ भी, तो आपने इनका इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे योर क्लासमेट टू योर मदर, कि आपने अपने क्लासमेट में जो आपके क्लास फेलो है, आपके फ्रेंड है, उसको अपनी मामा के साथ मिलाना है, तो फिर आप कैसे मिलाएंगे। योर मदर टू योर फ्रेंड्स मदर, और अगर आपने अपनी मामा को अपने फ्रेंड की मामा के साथ मिलाना है तो फिर आप क्या बोलेंगे, तो उसको भी आपने इंट्रोड्यूस कराना है। फिर आ न्यू स्टूडेंट टू आ क्लासमेट, कि जब क्लास में न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको हम क्लासमेट के साथ, दूसरे क्लास फेलो के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, तो इसी तरह आपने अपने घर में पेयर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ पार्टनर बनना है और आपने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन कराना है। नेक्स्ट है लर्न टू लिसन। स्टूडेंट यहाँ पे एक नसरुद्दीन होता है, तो वो बोटमैन होता है, तो उसकी वो जब बोटमैन चला रहा होता है तो उसकी बोट में ना एक होल हो जाता है, सुराख हो जाता है, तो फिर वो उसको छोड़ देता है, फिर वो एक स्कूल की तरफ चले जाता है, तो वहाँ पे उसके फ्रेंड बनते हैं, वो कहते हैं आ जाओ हमारे साथ ना, आप स्कूल आ जाओ, तो वो उनके साथ स्कूल चले जाता है। लेकिन क्योंकि उसने तो कभी स्कूल ही नहीं गया होता, तो उसका जो टीचर होता है वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो जिसके उसको क्वेश्चन नहीं आते, आंसर नहीं पता होते, वो आंसर इसलिए नहीं पता होते क्योंकि वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया होता,
तो इस तरह फिर वो वापस जो है वो स्कूल से फिर वो स्कूल से वापसी पे अपने फ्रेंड से बोलता है कि अब मैं भी स्कूल आया करूँगा और जो मुझे चीज़ें नहीं पता, जिनको मैं नहीं जानता, उनको मैं सीखूँगा। लिसन टू अ स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अब यहाँ पे देखें नसरुद्दीन वाज, कि नसरुद्दीन कौन था? अ बोट बिल्डर, कि बोट बनाने वाला था। अ बोट मैन था। अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या वो प्रोफेसर था? तो ही वॉज अ बोट मैन। वट काइंड ऑफ क्वेश्चन डिड द प्रोफेसर आस्क फर्स्ट, कि वो जो उसके टीचर होते हैं वो कैसे उसे क्वेश्चन पूछते हैं? अ लैंग्वेज क्वेश्चन पूछते हैं, और हिस्ट्री क्वेश्चन पूछते हैं, और मैथ्स क्वेश्चन। तो वो उससे नसरुद्दीन से मैथ्स क्वेश्चन, के मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं। वाई कुड नॉट नसरुद्दीन आंसर एनी ऑफ द प्रोफेसर क्वेश्चंस, कि फिर नसरुद्दीन ने क्यों प्रोफेसर के, क्यों नहीं वो क्वेश्चन के आंसर दे सका? ही वॉज नॉट अ प्रोफेसर, क्या वो खुद एक प्रोफेसर नहीं था? ही वॉज अ फुलिश मैन, क्या वो बेवकूफ़ था? या ही हैड नेवर गोन टू स्कूल, कि वो कभी स्कूल ही नहीं गया था। इसका करेक्ट आंसर है ही हैड नेवर गोन टू स्कूल। वाई डिड द बोट मैन बोट बिगिन टू सिंक, कि बोट क्यों डूबना शुरू हो गई थी? इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बोट, बहुत पुरानी बोट थी। ही हैड अ होल इन इट, या इट हिट अ रॉक, तो उसमें एक सुराख था तो इसलिए वो सिंक होना स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह हमारा बुक पेज नंबर 59 भी सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स नाउ वी विल रिवाइज सिंपल पास्ट टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल पास्ट टेंस सीखे हुए हैं और अब हम इनको रिवाइज करते हैं। कि पास्ट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जो हमें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमने पहले कर चुके होते हैं, जो हम गुजरे हुए वक्त में कर चुके होते हैं। द पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, कि जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उसके बारे में जो बताता है टेंस वो कौन सा है? पास्ट। और पास्ट टेंस को बनाने का तरीका ये है कि इसमें हमने वर्ब ए सब्जेक्ट राइट करना होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को और वर्ब जो उसमें एक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही प्लेड, वो खेला। देखिए इसमें ही सब्जेक्ट है और जो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है? सेकेंड। अली पैदल चला, अली वॉक्ड ऑन फुट। अली सब्जेक्ट है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। एंड पे हमने ऑब्जेक्ट राइट किया। कि पास्ट टेंस बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, फिर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। जैसे वी एट मैंगो, दे वॉन द मैच। कि देखिए ये दे जो है ये सब्जेक्ट है, ये सेकेंड फॉर्म है एक्शन की और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब हमने इनको नेगेटिव बनाना है तो हमने इसमें नॉट का यूज़ करना है। जैसे तुमने पानी ना पिया। अब देखिए यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर। इसको बनाने का तरीका ये है कि हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या यूज़ करना है? डिड नॉट। और फिर जब हमने डिड नॉट यूज़ करना है ना तो उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और फिर हमने ऑब्जेक्ट राइट करना है। जैसे शी डिड नॉट ईट द मैंगो। कि सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने उसमें नेगेटिव का यूज़ करना है तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। डिड नॉट के बाद फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यू डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। यू सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, और ड्रिंक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एंड पे ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट मेक टी। ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे हमने ऑब्जेक्ट राइट किया। और जब हमने इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाने हैं, तो उसको बनाने का तरीका जैसे क्या हमने सबक याद किया, क्या वो स्कूल गया, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि हमने जो डिड है हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने पहले ले आना है सब्जेक्ट से। जैसे डिड शी राइट अ लेटर, लेकिन यहाँ पे भी डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। डिड आई रीड अ बुक, रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। डिड यू लाइक द एग्स, के सिंपल पास्ट टेंस में हमने वर्ब सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस में हमने सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट करना है।
नेगेटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमने ऑब्जेक्ट राइट करना है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसको बाहर लेना है, फिर हमने सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट राइट करना है। सो यहाँ पे कुछ वर्ड सेंटेंसेज हैं, उनको आपने इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और ये पास्ट टेंस के हैं। वो खेला, वो ना खेला, वो क्या वो खेला, तुमने गाना गाया, तुमने गाना ना गाया, क्या तुमने गाना गाया, हमने क्रिकेट खेली, क्या हमने क्रिकेट ना खेली, क्या हमने क्रिकेट खेली। तो स्टूडेंट्स आपने इनको नोटबुक पर आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें सिंपल टेंस है, उसका नेगेटिव हमने बनाया और फिर उसका इंट्रोगेटिव। दिस इज़ योर डायरी टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑन नोटबुक। कभी जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं उनके आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है और साथ ही उसके आपने बुक पेज नंबर 58 और 59 भी लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।